कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। मुनि श्री समय सागर महाराज जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि शाम की आचार भक्ति की क्रिया प्रारंभ करने की मैत्री कृपा कीजिए। अपराणिक आचार्य मुनराया श्रीमद् सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करो। सुमत नानदंसन वीरि सुमं तेव अवगणम अगुलुमुवामटूनाहोद शुद्धानं तव शुद्धेन शुद्धे संयम शुद्धे चरित शुद्धेय ज्ञानमिदं सनम इय शुद्धे चरसानमं सामे इच्छामन्ते शुद्धभक्ते कावसो गोदसालोचे समनान समदंसन संचलयुक्तानमट्टविकमेव मुक्कानमट्टुगुण संपन्नानं उड्डुलोय मत्तमे पैठियानं तव शुद्धानं नय शुद्धानं संयम शुद्धानं चरशुद्धानं अधीतनागत वर्तमान कालत शुद्धानम सौ शुद्धानम सहनिज कल मंचे मे पूजे मे वंदा मिनम सामि दुख कौ कम कौ भोहिला सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम अथवा प्राणिकाचरम श्रीमद स्वत भक्ति कायो स्वर्गम करो। कोटिशतम द्वादशैव कोटौ लक्षाणि चैते त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्स्फुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासि यत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुधुना नमो वहिं शिरसा इच्छामन्ते सुधुमते कांसुगोदसालोचिम् अङ्गुवङ्ग पैनय पावडय परियमसुत्त प्रणमानि उगपोगय चूलिया जेव सुत्तत्तय तुईदम कायम सैनिज कल मंचे में पूजे में वंदा मिनम सामि दुख कौ कम कौ भोहिलाव सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम तो प्राणिका चरम नयाम श्रीमताचार्य भक्ति कायो स्वर्गम करो। स्मृतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चम्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तसंयमेन यतरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मनमरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्घतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वते कांसुगोदसालोचे सम्मनान् समदंसन संसर्जुत्तानं
पंचव्या चाराणाम आयुर्याणम आयारादी सुग्रानुपदेशानम वज्जायानम तिरयनगुणपालयानम सौसानम सैनिष्कलमंचे मे पूजे मे वंदा मिनमं सामी दुख को कमको बुलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति मध्यम देव सिंह प्राश्चित चाहते नमस्कार महाराज विद्यासागर विश्ववंद श्रवणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तिमुनिपम् विश्वश्वविश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु कुंडलपुर के बड़े बाबा की संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की भाभी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की विद्या सागर की गुण वागर की शुभ आज उतारो आरतियां विद्या सागर की गुण वागर की शुभ मंगल दीप सजाए के में मती के गर्वी विषय गुरुआए गामी सदी लगा जन मोलिया है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए ऐसे
ऐसे मुनिवर के ऐसे ऋषिवर के मल दीप सजाए के में आज उतारूं आरतियां। समय सागर के विद्या सागर के गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के में आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लखकर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया आज उतारूं आरतियां। विद्या सागर के समय सागर के सभी मुनिवर के मंगल दीप सजाए के में आज उतारूं आरतियां। चलो सुनो, आप सबको जानते हैं कि 16 तारीख को परम पूज्य निरापक श्रवण श्री समय साहब महाराज जी के लिए आचार पद है, इसके लिए हम सब मिलकर के बड़े बाबा का मंत्र जप करेंगे। सम्यक दर्शन नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। बोलो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अहम नमः। अब तक पार नहीं पार तब ज्ञान सिंधु के जल कर दे दो I'm
है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गया। चांदी सोना हो गया मेरा, चांदी सोना हो गया, चांदी सोना हो गया मेरा, चांदी सोना हो गया। इन विषय भोग की मथुरा की मैं बना सदा से मतवाल, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। सब कुछ गुरुदेव तुम्हें से है, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियत में कुमार तुम्हें से। उठाइए दोनों हाथ पार, ये चमक ये धमक तुम बनो नमः, सब कुछ स्वीकार तुम्हें से है। ओम ह्रम अष्टतरसर्जनमसुरी आचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामनिन्द्र विनवान सुदारोह विनाशनाय नैवेद्यम खबर मिलेंडलपुरी के बड़े बाबा सब कुछ दिया है हमको, हम एक बूंद न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा विद्या गुरु फिर आ जाए। जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम एक बूंद न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा विद्या गुरु फिर आ जाए। निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्ग भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति आराध के योगेश्वर महासंत अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। चतुर्सूर्याचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिन्द्र प्रणम अनर्घ पद प्राप्ति जयमाला पूर्णार्घम नृपामिति स्वाहा। चलिए ओम ह्रूं अष्टतरसज्जनागम श्री भावी नवाचार्य श्री समय सागर महामुनिन्द्रभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामि स्वाहा। सर्व निरापक्षमण मुनि श्रमण संघेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामि स्वाहा। देखिए अब हम सभी लोग उस पात्र का चयन करें
जिसे आज शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और समय को बचाते हुए एक व्यवस्था अगर हम सभी लोग बनाए कि एक निश्चित राशि करके उस पात्र को यहाँ आमंत्रित कर ले, 551 की राशि शास्त्र भेंट के लिए यहाँ से निर्धारित कर दी जाती है। जिस भी सुधीर श्रावक का ये भाव हो रहा हो, शीघ्रता से अपना नाम पहुंचा देंगे एक मिनट के अंदर। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। उठाइए दोनों हाथ एक बार, तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। चलिए, लोगों का भाव है कि बोली के माध्यम से करना है, तो चलिए बोली के माध्यम से पात्र चयन करते हैं। एक मिनट के अंतराल में ये पात्र चयन होगा। 1/11 से प्रारंभ करते हैं। 1,11,111 आज शास्त्र समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए 1,11,111 1,11,111 रुपया दो, 1,11,111 रुपया ढाई, 1,11,111 रुपया पौने तीन, और 1,11,111 रुपया एक दो ढाई, 1,51,151 1,51,151 रुपया दो, 1,51,151 रुपया ढाई, 1,51,151 तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, हो बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती, ओ खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है खुशियाँ पता पूछती मेरा। ये बोली जाती हुई समय पूरा होता हुआ 1,51,151 रुपए एक बार, वहाँ एक बार और पूछ ले, अंतिम अवसर है। 1,51,151 रुपए एक बार, 1,51,151 रुपए दो बार, 1,51,151 एक, 1,51,151 रुपया दो, 1,51,151 रुपया ढाई, 1,51,151 रुपया बन दिन, 1,51,151 एक दो ढाई बन दिन, और 1,51,151 रुपया तीन। ये मंगल भाई सौभाग्य अर्जित किया है। आचार भगवान की विशेष अनुकंपा जिस परिवार पर रहती है, कटनी का परिवार, श्रेष्ठी परिवार, सम्मानीय उत्तम चंद जी, कटनी वाला परिवार, सुरेश चंद जी, अनुज, अनुराग, कोयला वाला परिवार, इन्होंने ऐसा मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। थोड़ा जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। कृपया पधारे सा परिवार। और जिनका एक पूज्य आज की मंगल देशना का लाभ हमें आज सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य देखिए, 1/11 का जिनका भाव था, अगर उनका मन बनता हो तो उन्हें भी हम यहाँ आमंत्रित करें, एक बार उनसे पूछ लें। पूज्य प्रणम सागर जी महाराज जी की मांगलिक देशना का लाभ हमें प्राप्त होगा। पूज्य मुनिश्री जी से निवेदन है, कृपया। मुझे ले हमारे सम्मानी उत्तम चंद जी, जो कि कोयला वाला परिवार बोहरी वन क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, पूरे सम्मान के साथ हमें आमंत्रित करेंगे। सपरिवार कृपया पधारें और पूज्य मुनिश्री जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित करें। और हम सभी लोग कर्ता ध्वनि की अनुमोदना जरूर करें, दोनों हाथों की ताली। मुझे ले चलो जहां तुम गुरुवर, वहीं चलूंगा। मुझे ले चलो जहां तुम गुरुवर, वहीं चलूंगा। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगा, जिस हाल में रखोगे उस हाल में। ऐसे दर्शन के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके पानी के नाव के रहा है,
दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, ओ बिन पानी के नाव दे रहा है, दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। अब हम सभी लोग प्रशांतमती माता जी की मंगल आगवानी यहाँ पर संपन्न हो रही है। आगवानी का एक बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव आए, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव। चलिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। पूज्य मुनि श्री परम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य मुनि श्री परम सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी आदि मुनि महाराजों की, मंच पर विराजमान श्री पवित्र सागर जी, श्री प्रसाद सागर जी आदि सभी मुनि महाराजों की जय। पूज्य प्रणम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्मा, आज सुबह सुबह जब परम पूज्य निर्यापक श्रमण भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने संकेत दिया कि हमारी कुछ व्यस्तताओं के कारण से आज आपको मंच पर कुछ प्रवचन करना है, तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि आपकी उपस्थिति भी लोगों के लिए अनिवार्य है और बहुत ही उपस्थिति भी प्रेरणादायी होगी, इसलिए आप विराजमान हो। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, आज मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं, आप ही जाइए। हमने कहा हम बहुत लघु हैं और आपके समक्ष होने पर ही कुछ अच्छा लगेगा, तो महाराज जी ने याद दिला दिया नहीं, आप तो पहले भी इस तरह से कर चुके हो। जब महोत्सव का समय था तब आचार्य महाराज ने आपको सबसे पहले कहा था और आप प्रवचन करने गए थे। वह याद जो महाराज जी ने दिलाई, ऐसी कई यादें इस तीर्थ क्षेत्र के साथ में, बड़े बाबा और छोटे बाबा के साथ में जुड़ी हुई हैं। कहा जाए तो हमारा जीवन की जो शुरुआत है सच्चे मायने में, वो इसी कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र से ही हुई थी। बात उस समय की है जब आचार्य महाराज यहाँ पर चातुर्मास कर रहे थे,
95 का वह चातुर्मास था। हमने पहले कभी भी आचार्य महाराज का कभी दर्शन नहीं किया था और हम एक ऐसे दूर इलाके के बंदे थे जहाँ पर गुरु महाराज का शायद कभी बहुत रहना नहीं हुआ और कभी कोई पदार्पण नहीं हुआ। और अगर कहें कि हम शहर और गांव की बात तो छोड़ दें, अगर हम उस प्रदेश की बात करें जिस प्रदेश में हम जन्मे हैं या शरीर जन्मा है, तो उस प्रदेश में आचार्य महाराज सिर्फ एक बार आए और उस प्रदेश में उनका पहला चतुर्मास 75 का उस प्रदेश में हुआ फिरोजाबाद में। आप समझ गए होंगे हम किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। संयोग की बात है कि इस देह का जन्म भी उसी समय का 75 का है जब आचार्य महाराज ने पहला चतुर्मास उस प्रदेश में किया था और इस देह का जन्म वहीं आसपास एक भोगांव है वहां पर हुआ था। आप सोच सकते हो कि हम उस समय पर क्या थे। आचार्य महाराज उस समय पर चातुर्मास करके गए। शायद मैं ये मानता हूं कि उनके उस चातुर्मास की बरगड़ाओं का ये प्रभाव होगा कि हमने कभी आचार्य महाराज का दर्शन नहीं किया, केवल उनके चर्चे सुनते थे, बातें सुनने में आती थीं। आप जानते हैं वह उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के आसपास का एक ऐसा स्थान है जहां पास में ही सिरसागंज भी है और वहां पर पढ़ाई लिखाई का सारा कार्य वहीं हुआ। आसपास का इलाका इटावा भिंड का इलाका कहलाता है, चंबल का इलाका कहलाता है। वहाँ पर कभी कोई साधु संतों का ज़्यादा आवागमन नहीं होता और ऐसी स्थिति में जहाँ पर किसी भी तरह का धर्म का कोई वातावरण नहीं हो, वहाँ अचानक से मन में एक भाव उत्पन्न होना कि मैं जिनकी चर्चा सुनता रहता हूँ मैं उनका कभी दर्शन कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, ऐसा मन में भाव आ जाना। और वह भाव आने के बाद में मन में ये विचार आना कि जिनके बारे में मैं सुनता हूं, और क्या सुनता हूं, उस समय की बात बता रहा हूं, लोग आपस में चर्चा किया करते थे। अगर कहीं वर्तमान में तीर्थंकर जैसी चर्या को कहीं देखना है, तीर्थंकर स्वरूप का दर्शन करना है, तो बुंदेलखंड चले जाओ, वहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान, ऐसा सुना करता था। वो शब्द आज भी याद आते हैं। केवल उन शब्दों को सुनकर के मन में इतना श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ कि शायद हम भी कभी ऐसे गुरु महाराज के दर्शन कर पाए। लेकिन दर्शन करने के लिए बहुत कुछ और भी निमित्त आवश्यक होते हैं। ये तो उस बच्चे के मन के भाव हैं जो कभी 11वीं 12वीं में पढ़ रहा होगा और उसके मन में उस समय पर ये भाव आ रहे थे। कुछ वर्ष के बाद में फिर एक भाव आया और अचानक से एक दिन मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में हमने दो आचार्यों को बड़ा हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखा। आज भी वह हंसी मेरे दिमाग में घूमती है, मेरे मस्तिष्क के चारों ओर वह हंसी आज भी झूमती है। और उसमें आचार्य महाराज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, हंस रहे थे। एक आचार्य थे, उनको मैं जानता था, उनके संपर्क में भी थोड़ा थोड़ा सा आने लगा था। लेकिन दूसरे आचार्य के बारे में जब मैंने सुना कि ये आचार्य महाराज कौन हो सकते हैं, तो उस समय पर आपको बता रहा हूं कि उस मंदिर में या उस आसपास कहीं पर गुरु महाराज की फोटो तक भी नहीं थी। यानी मैंने कभी गुरु महाराज का कभी फोटो भी नहीं देखा था। और सबसे पहली बार अगर हमें गुरु महाराज ने दर्शन दिए तो वह स्वप्न में दर्शन दिया। जब वह दर्शन हो गया तो मेरा एक मित्र था, धार्मिक था, जिनका नाम सुकौशल था, जो आज आचार्य महाराज के संग में मुनिश्री अभिनंदन सागर के नाम से जाने जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुनि महाराज की जो आज मैंने दर्शन किया है
उनमें मैं एक को तो जानता हूँ, दूसरे को तो मैं जानता नहीं, ये कौन हो सकते हैं? नाम सुना है आचार्य महाराज का, लेकिन कभी फोटो नहीं देखी। तो उन सुकौशल भाई साहब ने मुझे एक कहीं से फोटो ला करके दिखाई, और वो फोटो दिखाई जो दो शिखर के बीच में आचार्य महाराज बैठे हुए हैं, रामटेक की वो फोटो है। उस फोटो को देखने के बाद मैं कहा कि ये तो वही हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा है। तब मुझे समझ में आया कि आचार्य महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया, लेकिन मुझे उससे कोई ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा दर्शन क्यों दिया। हम अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे थे, पढ़ते रहे, आईआईटी करने के लिए लखनऊ गए, वहां भी चले गए, लौट करके आए, सब कुछ चलता रहा। लेकिन उसी बीच में कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग बनते गए जो कहीं ना कहीं हृदय में कुछ दूसरी लाइन पर जाने के लिए प्रेरित करते रहे। और उसी का परिणाम ये निकला कि बीएससी कंप्लीट करने के बाद में हम सीधे पहले तो उन आचार्य महाराज के पास पहुंच गए जिनका नाम आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज। एक वर्ष वहां रहे और उसके बाद में हम वहां से चलने को मन बनाए कि हमें आचार्य महाराज के दर्शन करना है, हमें आचार्य महाराज के दर्शन करना है। हमारी मन में पहले से भावना थी, लेकिन वो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ जाऊं? एक संघ से दूसरे संघ में आना बड़ा कठिन काम होता है। और उस परिस्थिति में भी तरह तरह के बहाने बना करके कि मुझे बुंदेलखंड की यात्रा करना है, मुझे बुंदेलखंड के तीर्थों के दर्शन करना है, इस बहाने से वहां से निकले। दर्शन करने के लिए वहां से आए और मन में भाव था कि मुझे एक बार आचार्य महाराज का दर्शन करना है। जब पहली बार जब आचार्य महाराज ने स्वप्न दिया था, न जाने क्यों मन में अपने आप अंत प्रेरणा से मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ था, जब भी कभी मैं आचार्य महाराज का दर्शन करूंगा मैं बिल्कुल लेट जाऊंगा, साष्टांग नमस्कार करूंगा। अपने मन में स्वतः भाव आया था कि चाहे भले ही आचार्य महाराज कहीं चल रहे हो, धूल हो, कीचड़ हो, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं लेट जाऊंगा, मेरा यह भाव था। और वह अंत प्रेरणा से मेरे अंदर की भावना छिपी रही। कुछ संयोग बने, परिस्थितियां अनुकूल बनी, और कुछ निमित्त को लेकर के वह उसी चातुर्मास में जब आचार्य महाराज यहाँ 95 में विराजमान थे, हम उस समय पर कानपुर में उन आचार्य महाराज के साथ थे, वहाँ से छतरपुर द्रोणगिरी होते हुए आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ आए। दर्शन करने के लिए उस समय पर आते हुए भी अनेक तरह के मन में विकल्प थे, क्योंकि आप जानते हो एक संघ से दूसरे संघ में आना, एक संघ के ब्रह्मचारियों का दूसरे संघ के ब्रह्मचारियों के साथ में कोई मिलना बैठना, और आचार्य महाराज के बारे में तो उस समय पर भी प्रसिद्ध था आचार्य श्री, कभी किसी दूसरे संघ के ब्रह्मचारी को कोई ज्यादा वेटेज देते नहीं है, ऐसा उस संघ में मुझे बता दिया गया था। इस तरह की कुछ नेगेटिव फीलिंग्स के साथ भी हम वहां से चले थे, और ये सोच करके कि यहाँ हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे मन की भावना है कि मुझे एक बार आचार्य महाराज का दर्शन करना है। हम आए, आपको बताऊं आज भी ये मंदिर जो 52 नंबर का मंदिर है, जो इसी संत भवन के सामने जो पेड़ लगा हुआ है उसके सामने आदिनाथ भगवान का जो मंदिर है, उसमें दो दरवाजे हैं। एक तरफ से हम इधर से एंट्री लिए, आचार्य श्री उस समय पर उसी मंदिर में वहीं बैठे थे राइट साइड की तरफ, और वहां पर उनका आसन लगा हुआ था। उधर उस समय उस जो बाहर दलान है वहां लोग जो खड़े हुए थे उनसे कुछ वह चर्चा कर रहे थे। हमने एंट्री ली और सीधे जो मन में भाव था कि जब पहली बार आचार्य महाराज का दर्शन करूंगा साष्टांग नमस्कार करूंगा। उससे पहले मैंने कुछ और भी सुन रखा था, आचार्य श्री के संघ के जो ब्रह्मचारी होते हैं वो बड़े ही नियम और चर्या के पालन करने वाले होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये भी सुन रखा था कि ब्रह्मचारी भी हमेशा उठते बैठते हुए पिच्छी आदि का प्रयोग करते हैं। तो हम बड़ी थोड़ी तैयारी के साथ में आए थे और मन में भाव लेकर के आए थे कि हमसे कभी कोई गलती ना हो जाए कि आचार्य महाराज मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दे। अब इस तरह की तैयारी के साथ में हम आए थे। उस समय पर चूंकि वैसे केसलोच नहीं होता,
बाल बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन हम इसलिए वहां पर केस लॉन्च करा करके आए थे कि ताकि आचार्य श्री को ऐसा ना लगे कि ये कहीं कोई बहुत शौकीन है या कहीं अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, इसलिए वहां पर किसी दूसरे भैया से केस लॉन्च भी करा लिए थे। आपको बता रहा हूं मैं कितनी तैयारी के साथ आचार्य महाराज के दर्शन करने आया था, अंदर की बात बता रहा हूं। अब जब हमने वहां पर एंट्री ली और आचार्य महाराज के सामने बिल्कुल पिच्छी लगा करके वो कपड़े का परिमार्जन करके और बिल्कुल उनके सामने लेट गया और आचार्य श्री ने देख लिया कि कोई ब्रह्मचारी आए हैं, हम दो ब्रह्मचारी थे, हम और सुकौशल भाई साहब, और दोनों आकर के लेट गए और लेटने के बाद में बिल्कुल जैसे ही उठे उनके चरणों का स्पर्श किया, संयोग की बात है आज की परिस्थिति को देखें तो उस समय पर किसी ने कोई रोका नहीं था, कोई कमेटी के लोग नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। अब उस समय पर आचार्य महाराज को जैसे ही छुआ, उनके चरणों को स्पर्श करके जैसे ही उनकी तरफ मुंह उठाने को हुआ और उनकी तरफ देखने को हुआ, तो आचार्य श्री ने खुद मैं कुछ कह पाता बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने न जाने क्यों ऐसा पूछ लिया, क्यों ब्रह्मचारी जी कहां से आए हो? जैसे ही उन्होंने इतना पूछा, मेरे मन के अंदर जितने भी कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे यहाँ के वातावरण को लेकर के और आचार्य महाराज को लेकर के, वो सब एकदम से धुल गए और मन ऐसा ग्लैड ग्लैड हो गया, बाग बाग हो गया कि जैसे मुझे मालूम दुनिया की जन्नत मिल गई हो। उस समय पर आचार्य महाराज के इतने से वचन सुनने के बाद में मन इतना प्रसन्न हो गया, इतनी विशुद्धि बढ़ गई, आचार्य महाराज के पास बैठा और उसके बाद फिर आचार्य श्री को नमस्कार प्रणाम नमोस्तु करने के बाद में थोड़ी सी चर्चा उन्होंने भी शुरू कर दी और कुछ हमने भी बोलना शुरू कर दिया। और पहली एक तरह से कहें पहले दर्शन में आचार्य श्री ने सारा परिचय पूछ लिया। जब उन्होंने परिचय पूछ लिया तो थोड़ा सा मन में लगा कि आचार्य महाराज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ रेस्पॉन्स दे रहे हैं और कुछ अच्छा हो सकता है। उस समय की मैं आपको अपने अंदर की फीलिंग बता रहा हूं, ये संत भवन बना हुआ नहीं था, ना पुराना बना था ना ये नया बना था, यहां सिर्फ जंगल था, पीछे एक दीवार थी, आचार्य श्रीधर शुद्धि करने के लिए आते थे और उस समय पर जब भी घंटी बजती थी ये सभी मुनि महाराज उस समय पर मंदिरों में रहा करते थे और उतर करके आ जाते थे। हमने देखा पहली बार समय सागर जी महाराज थे, योग सागर जी महाराज, पावन सागर जी महाराज, पवित्र सागर जी महाराज, समाधि सागर जी महाराज, एक से एक अच्छे अच्छे महाराज लगते थे, देखने में भी अच्छे डील-डॉल लगते थे और सबकी अच्छी मतलब काया देख करके और उनके शरीर का तप तेज देख करके ऐसा लगता था कि वास्तव में जब मुनि महाराज आ रहे हैं चारों तरफ का वातावरण कितना शांत है, कोई कोलाहल नहीं है और आचार्य महाराज के एक संकेत पर सब उनके समक्ष आकर के बैठ जाते हैं, ऐसा जैसे कि चौथे काल का हम जैसे दर्शन कभी करते हो ऐसा दर्शन का भाव उस समय पर उत्पन्न हुआ कि हम चौथे काल का ये मुनि संघ देख रहे हैं। और वह सब देखने के बाद मन में अपने आप एक विचार आ गया, जीवन में अगर कभी कुछ इस मार्ग पर अब आगे बढ़ूंगा तो केवल और केवल आचार्य महाराज को गुरु बनाकर के ही बढ़ूंगा, नहीं तो निगुरा रह जाऊंगा, लेकिन अब गुरु महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। निगुरा समझते, बिना गुरु के रह जाऊंगा लेकिन अब गुरु के बिना और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। और ये बात मन के अंदर अंतः प्रेरणा से आई और उस बात को लेकर के मन में भाव आया हम इन्हीं के हो गए। कुछ ऐसे भाव जो अपने आप आ जाते हैं और वह कभी ना कभी अगर भीतर से मन के हृदय से निकलते हैं, अंतर गूंज से निकलते हैं, तो वही कोई ना कोई आप चाहे उनको भजन कह लो, चाहे उन्हें आप भक्ति के स्वर कह लो, कुछ भी कह लो, वह भाव निकल आते हैं। और वह भाव बहुत दिनों के बाद में बने इस कुंडलपुर में आचार्य महाराज की आज भी हमें तरह तरह की स्मृतियां यहाँ की वादियों में, यहाँ की फिजाओं में आज भी घूमती रहती हैं। ये वह क्षेत्र है जहां पर हमने आचार्य महाराज को
इतना जम के खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा है उनके समक्ष। अगर हमें उस समय पर इन मुनि महाराजों को भी स्मरण हो तो एक ऐसा प्रसंग बना था जब आचार्य महाराज ऊपर से उतरते हुए आ रहे थे, अब तो पुरानी सीढ़ी ही टूट गई, उन सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे, क्रेन लगी हुई थी और आचार्य महाराज जब वहां से उतरते हुए आ रहे तो क्रेन खराब हो गई थी और रास्ते में चलते हुए नीचे हम लोग साथ में थे, हम बिल्कुल बगल में चल रहे थे। आचार्य श्री कहते हैं देखो बड़ी बड़ी क्रेनें भी खराब हो जाती हैं, हर चीज का एक टाइम होता है, उसका भी रिटायरमेंट हो जाता है, हमारा कितना समय हो गया है, हम अभी इतनी सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस भी कभी छूट जाएगी, इसका भी कभी रिटायरमेंट का टाइम आएगा, और इस तरीके की कुछ चर्चा करते हुए वो नीचे उतर रहे हैं। उस समय पर बड़े विनोद भाव के साथ में आचार्य महाराज के साथ में था, अब ये बात बता रहा हूं मुनि बनने के बाद की, समझ आ रहा है, बहुत बीच में डिफरेंस हो गया। अब उस समय की बात बता रहा हूं कि जब आचार्य महाराज उतर रहे हैं, हम मुनि महाराज हैं और उनके साथ में चल रहे हैं, हमने भी प्रसंग बस विनोद बस आचार्य महाराज से बहुत सहजता में हम भी बात कर लेते थे, वो सैद्धांतिक बात भी करते थे तो भी कर लेते थे और कभी इस तरीके की बात करते थे तो उसको भी अच्छे से कर लेते। आचार्य जी कहते हैं अब ये सर्विस कब तक चलेगी, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है। हमने उस समय पर एक आचार्य श्री को बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया, मैंने कि आचार्य श्री मैंने पहले कभी एक एडवर्टाइज देखा था और वो एडवर्टाइज में क्या होता है कि एक बहुत 60 साल का एक व्यक्ति होता है और वह 3 मंजिला ऊपर चढ़ने को होता है और दूसरी तरफ से एक जवान व्यक्ति होता है वो भी ऊपर चढ़ने को होता है और दोनों चढ़ने के बाद में जो वृद्ध व्यक्ति है 60 साल का जो व्यक्ति है वो तो आराम से चढ़ जाता है बिना हाफी के और जो जवान है वो हाँपता है। तब वहां पर एक डायलॉग आता है ये 60 साल का बूढ़ा है 60 साल का जवान। आचार्य श्री ने जब ये शब्द सुना 60 साल का बूढ़ा है 60 साल का जवान तो आचार्य श्री इतने खिलखिला के हंसे कि उस समय पर जो मुनि महाराज यहां पीछे जो पुराना संत भवन बना था उनकी वो टिकरियों पे बैठे हुए थे तो वो आवाज आई आचार्य श्री के हंसने की और जब मैं अंदर आया तो लोग मुझसे पूछते हैं आज क्या हो गया आचार्य श्री इतने क्यों हंस रहे थे। तो मैंने सुना ये प्रसंग हो गया था, मैंने कहा आचार्य श्री 60 साल के जवान है तो आचार्य श्री को ये सुनकर के बड़े प्रसन्नता हुई। वो समय भी देखा जब आचार्य श्री इतने खिलखिला करके हंसे और वह समय भी देखा जब आचार्य श्री की आंखों में हमने आंसू भी देखे। सुन रहे हो, कब देखे आप आंसू? जब बड़े बाबा का स्थानांतरण हो रहा था उस समय पर बिल्कुल निकट में मैं आचार्य श्री के था, मुनिश्री अभय सागर जी महाराज थे, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज थे, बाकी सब महाराज अन्य अन्य अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। उस समय पर जब पहली बार संदेश आया कि हां प्रतिमा जी हिल गई है, हट गई है, अपने स्थान से उठ गई है, तो आचार्य श्री उस समय पर इतना उनके अंदर एक सेंटिमेंट हो रहा था कि उस समय पर वह कहने लगे क्या मैं भी देखने जा सकता हूं, ये पूछने लगे। अब हमने कहा आप ऐसा पूछ रहे, आप ही का तो सब कुछ। तो वह उस समय पर चलने लग गए और उस समय पर उनके पीछे पीछे चलते हुए जब तक वह इस नए स्थान से पुराने स्थान तक देखने के लिए गए उनकी आंखों में आंसू टप 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 कदम कदम पर मैंने टपकते हुए देखे। सब वारिका संग ने भी देखा होगा। उस समय पर यह देखा कि आचार्य महाराज इतने प्रसन्न हैं, भावुक हैं और बड़े बाबा का आसन उठने से पुरानी जगह पर आने के लिए, पुरानी जगह से नई जगह पर आने के लिए जब वह आसन तैयार है और उस समय पर आचार्य महाराज इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देख करके भी यह समझ में आया कि आचार्य महाराज जिनके लिए हम कहते हैं छोटे बाबा और जिनको हम जिनके आराध्य बड़े बाबा, तब समझ में आया छोटे बाबा और बड़े बाबा की दोस्ती, छोटे बाबा और बड़े बाबा का आपस में संबंध बहुत भीतर का है, बहुत आंतरिक है।
ये विचार उस समय पर देखने को मिला। आचार्य महाराज के समक्ष रहते हुए, उनके चरण सानिध्य में रहते हुए ये सब प्रसंग देखे गए। और आचार्य महाराज हमेशा हम सभी मुनि महाराजों के लिए ज्ञान देते थे, सिद्धांत का भी ज्ञान देते थे, अध्यात्म का भी ज्ञान देते थे। और उस समय पर जो सब कुछ इस परिसर में मिला करता था, आज वह सब कुछ याद आता है। और कभी कभी तो अगर आप कहो तो मन की बात, वैसे कभी मैं दुखी नहीं हुआ जिंदगी में इतना, लेकिन कभी कभी मन में आचार्य महाराज के जाने के बाद ऐसा विचार आया कि मैं कहीं एकांत में बैठ के कहीं कुछ रो लूं, कि मेरे हृदय में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे ठोंक दे। ऐसा कभी कभी मन आता है कि जैसे कुछ छूट गया है, कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ है, कहीं कुछ यहीं आसपास है, कहीं कुछ घूम गया है। ऐसा विचार अभी भी इन वादियों में घूमते घूमते आता है और हर समय पर यही भाव रहता है, हम इन्हीं के हो गए। उन भावों को मैं आपके सामने रखकर की बात पूरी कर रहा हूं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, नहीं तो फिर मुनि महाराज कभी दूसरी बार कृपा नहीं करेंगे। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं। आगे का जो काव्य है वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और गुरु महाराज के लिए। नग्न जर्जर सी देह, ज्ञान करुणा स्नेह, शाम का सूर्य था, कृत्य का बोध था, पदवी को छोड़ के, मोह को तोड़ के, पदवी को छोड़ के, मोह को तोड़ के, दे उजाला जगत से गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं। ज्ञान रवि की तपन, विद्याधर का बदन, विद्या ज्योति जली, जग की प्रज्ञा जगी, शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना, शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना, देह को बस बदल जो गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं। और अंतिम पैरा में आचार्य महाराज को स्मरण किया है, मेरे गुरु हैं महा, इन सा जग में कहां, मेरे गुरु हैं महा, इन सा जग में कहां, पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श, पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण, हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण, एक यही कामना कर चले हैं हम, इन्हीं के हो गए हैं हम, इन्हीं के हो गए हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।